तो आप ये मत बोलो अपने बच्चे को यार कि तूने 10 साल लगा के साइंस से कुछ समझ नहीं आई, मैथ से कुछ समझ नहीं आया, तो कॉमर्स मत ले, आर्ट्स मत ले, क्या उखाड़ लेगा, क्या करें, कुछ तो लेना ना, साइंस ले लेते हैं। ये क्या बात हुई यार, सीए बचता है, बचता क्या आर्ट्स में, यूपीएससी बचता है। अरे भाई जो ये चीज़ बोलता है ना उनको बोलो भैया गूगल है आपके पास। प्लीज पेरेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे ने जो लेना है उसको वो स्ट्रीम लेने दो, बच्चों की बात मानो, उनका पैशन जो है उनको उन्हें फॉलो करने दो। प्लीज़ डोंट डू दीज मिस्टेक्स। क्लास 10 स्टूडेंट्स, अ बिग रिक्वेस्ट, स्ट्रीम सिलेक्शन इश्यूज। सो आज हम इस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब क्लास 11th में जाने वाले हैं आज से 3 महीने बाद, उनको टर्म 2 से ज़्यादा टेंशन पता है किस चीज़ की है, सर कौन सी स्ट्रीम लें। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं लाइव जब आता हूँ 10 बजे तब भी और अभी भी, सर समझ नहीं आ रहा, एक्चुअली हमें विजन क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता अभी हमने क्या करना है, क्या बनना है, बट अब समझ नहीं आता है कि हम साइंस में जाएँ, ह्यूमैनिटीज़ में जाएँ या कॉमर्स में जाएँ। तो वो चीज़ें मैं आपके लेके आया हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, आपको मज़ा आ जाएगा और जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न थी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो बच्चों पहले मिथ अगर मैं बताऊं आपको जो बहुत ज़्यादा चलती है और पागल बनाया जाता है आपको, क्या ये चीज़ यार क्लास 10th में ना, भाई तेरा मैथ स्ट्रांग है, ठीक है, साइंस इतनी स्ट्रांग नहीं, कोई बात नहीं, मैथ्स तेरा अच्छा है, तो भाई PCM ले ले। बच्चे को चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, ठीक है, और वो साइंस में बेसिकली स्ट्रगल कर रहा हो, साइंस में उसको मज़ा नहीं आता हो, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तब इसको क्या बोला जाता है, भाई तू क्या ले ले, तू साइंस ले ले, PCM ले ले, क्यों तेरा मैथ्स अच्छा है। भैया देखो एक चीज़ बता दूँ, क्लास 10th और क्लास 11th या 12th बोलूँ ना, तो ये एक अलग ही गेम है, ये डिफरेंट गेम है ऑल टुगेदर। ये बात गारंटी नहीं है कि आपका अगर मैथ्स अच्छा है क्लास 10th में तो 11th 12th में भी आपका अच्छा ही रहेगा, हाँ फ़ायदा थोड़ा एज मिल जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है ना थोड़ा सा भी, तो मत लेना। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, क्लास 10th में मेरे 8.8 CGPA थे, ठीक है, और उस बच्चे के, मेरे जैसे बच्चे के क्लास 12th में ही वॉज अ कॉमर्स टॉपर इन द स्कूल। सो काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको साइंस नहीं आती तो बाकी चीज़ें भी नहीं आएंगी। अगर साइंस में इंटरेस्ट थोड़ा सा भी नहीं है मत लेना, फंसोगे। और आधे बच्चे क्या करते हैं, मेड प्लस नॉन मेड ले लेते हैं और आ जाके कुछ भी नहीं होता बेटा, 2 साल वो बैठ के रोते हैं। कभी भी मेरा मानना जो है PCM या PCB को आपको इकट्ठा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैथ्स बायो यार एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे देखो इसका मतलब आप खुद कंफ्यूज हो, अगर आप बोथ ले रहे हो ना इसका मतलब आप खुद कंफ्यूज हो, आपको ये नहीं पता यार मेरे लिए मेडिकल सही रहेगा या नॉन मेड सही रहेगा। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो, या PCB चुनो या PCM चुनो। और ऐसा मत सोचना कि यार अगर आपका क्लास 10th का साइंस इतनी आपकी अच्छी नहीं है, आप 11th में बहुत अच्छा पढ़ के आप निकाल लोगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो साइंस छोड़ो, आर्ट्स पे आओ, कॉमर्स पे आओ, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसी चीज़ से मेरी दूसरी बात आती है, क्या आप लोगों को जो पागल बनाया जाता है कि यार साइंस नहीं ले रहा, क्यों, एक कॉमर्स में क्या है, अरे आर्ट्स में क्या है, कुछ भी नहीं होना, ऑप्शंस ही नहीं है, सीए बचता है, बचता क्या आर्ट्स में, यूपीएससी बचता है। अरे भाई जो ये चीज़ बोलता है ना उनको बोलो भैया गूगल है आपके पास, वो बोलेंगे हाँ, एक बार आप खुद जाओ और वहाँ पे एक्सप्लोर करो। कॉमर्स में आजकल आज के टाइम पे सच बोलूँ तो इतने सारे ऑप्शंस, आप कहीं भी घूम सकते हो यार, और कितने सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो इस टाइम बिलियनेयर्स हैं। आपका विजन होना चाहिए, इतने सारे ऑप्शन हैं जो आपको साइंस में मिल जाते हैं। फिर ऐसे मैं भी बोलता हूँ साइंस में क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है खाली, आर्किटेक्चर करना है, तो ऑप्शंस कॉमर्स में भी बहुत सारे हैं, आर्ट्स में भी बहुत सारे हैं, इंटरेस्ट है तो वही अडॉप्ट कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि नॉन मेड के पीछे पागल होना है, सिर्फ आपको पागल बनाया जाता है। इन लोगों को खुद तो नॉलेज होती नहीं है, खुद इन्होंने कभी एक्सप्लोर किए नहीं ऑप्शंस और दूसरों को ये चीज़ें बता रहे हैं, तो इन जाल में मत फंसना, आपको सिर्फ पागल बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तीसरी मिथ जो काफ़ी होती है, मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे आपने क्या करना है, सर मैंने बैंकिंग में जाना है इसलिए मैं कॉमर्स लूँगा, सर मैंने MBA करनी है मैं कॉमर्स लूँगा, मैंने टीचिंग में जाना है मैं आर्ट्स लूँगा। बेटा टीचिंग अगर आपने जाना, आपके टीचिंग में इंटरेस्ट है ना, तो चाहे आप नॉन मेड से जाओ, चाहे आप कॉमर्स से जाओ, चाहे आप आर्ट्स से जाओ, आप टीचिंग तब भी कर सकते हो। सर बैंकिंग में जाना है तो कॉमर्स करना है, बेटा बैंकिंग में भी ना इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने नॉन मेड रखा हुआ है यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द बैंकिंग पेपर्स, कॉमर्स में भी एलिजिबल हो, और आप आ जाके आर्ट्स वाले भी एलिजिबल होते हैं बैंक के पेपर देने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बैंकिंग में जाना तो आपको ये स्ट्रीम ही चुननी पड़ेगी, किसी में भी जा सकते हो, थोड़े चीज़ें ऐसी कॉमन है जो आप किसी भी स्ट्रीम के साथ जाके फोड़ सकते हो। MBA में अगर मैं मानूँ जो बड़े बड़े पैकेज लेते हैं वो काफ़ी कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं, काफ़ी आर्ट्स वाले बच्चे भी होते हैं, काफ़ी नॉन मेड वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे MBA करनी है तो मैं कॉमर्स ही रख के करूँगा, आप नॉन मेड रख के भी कर सकते हो।
तो इन चीज़ों पे प्लीज़ मत फोकस करना कि यार मैं इसके पीछे जा रहा हूँ ये चीज़ है, पहले पूरा इसको एक्सप्लोर करो। आप चाहोगे मुझे बताना जो भी आपके इश्यूज़ हैं, मैं एक कॉमन वीडियोज़ बना दूंगा, अलग अलग वीडियोज़ बना दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ पे आप एम कर सकते हो, वही चीज़ नॉन मेड में, वही चीज़ मेडिकल में, तो वो चीज़ मैं बना दूंगा, उसकी आप चिंता मत करना। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मिथ पर, जो आप लोगों को पागल बनाया जाता है और मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। वो क्या है, अभी साइंस ले ले कोई बात नहीं, अच्छी नहीं लगी स्विच कर लेना कॉमर्स में, अभी तू नॉन मेड रख ले ठीक है, नहीं अच्छा लगा, नया इंटरेस्ट बना, इलेवन ट्वेल्थ में नहीं हुआ, स्विच इन टू बी कॉम ऑनर्स, स्विच टू बी कॉम, स्विच टू किसी सीए में चले जाना। तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए नुकसान ही है, क्यों समझना ध्यान से। जब जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मुझे बच्चों से भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, ऐसे आ जाके हवा में बातें नहीं कर रहा। आप बच्चे क्या करते हैं, इलेवन ट्वेल्थ नॉन मेड कर लेंगे, जब बाद में बीकॉम में आते हैं, बीकॉम ऑनर्स में आते हैं ना बच्चे, तीन साल का कोर्स होता है, तीन साल उनको कॉमर्स पल्ले ही नहीं पड़ती, उनको अकाउंट्स पल्ले ही नहीं पड़ता, फिर रो रहे होते हैं यार हमने ऐसा क्यों किया, हमने वैसा क्यों किया। मुझे एक चीज़ बताओ, जो इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स पढ़ रहे हैं क्या वो पागल हैं, आप खुद बताओ ये चीज़। जो उनका अकाउंट्स का बेस बना होगा वो उनको हेल्प करेगा कॉलेज में। भाई आप लोग नए नए उठ के आए हो नींद से, आप कॉमर्स ले रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप ये चीज़ हो। तीन साल बच्चों को पास होने के लाले पड़ जाते हैं, पास नहीं हो पाते अकाउंट्स में स्पेशली, इनकम टैक्स में स्पेशली इश्यूज़ होते हैं, क्यों, या बेस तो बना नहीं है, तो आप सीधा स्विच कॉमर्स में होगे हो, तो ये गलती मत करना, एक क्लियर विजन रख के चलो, मेरा ये मानना है। और आज के टाइम पे मेरे हिसाब से आपको दो तीन ऑप्शंस होने चाहिए, जो आपकी विजन है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट लो, और ये मत लेना यार कि साइंस में ऑप्शन ज़्यादा है, मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, प्लीज़ मत लेना। ओके, अगर और भी कुछ गाइडेंस चाहिए होगी कमेंट कर देना, बाकी मैं लाइव रोज आता हूँ रात को 10 बजे, कोई भी क्वेरीज होती हैं करियर गाइडेंस के रिलेटेड, आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन के रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। अगली चीज़ पर आते हैं, मैं बच्चे से पूछता हूँ, बच्चे आगे आपने क्या लेना है, सर समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। फिर मैं घर वाले से पूछता हूँ उनके कि इन्होंने क्या लेने आगे, इनका क्या मकसद है, क्या सोचा है। घर वाले बोलते हैं देखो खुद तो सेलेक्ट कर नहीं पाया, खुद तो इसके सोच नहीं पा रहा, तो ठीक है इसको साइंस ले देंगे। मैं क्यों, अब क्या करें, कुछ तो लेना ना, साइंस ले लेते हैं। ये क्या बात हुई यार। बच्चे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा छोटी सी, कोई भी अगर आपको क्लियर नहीं है कि यार मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है, आप हर एक स्ट्रीम के एक या दो सब्जेक्ट्स उठाओ, जैसे कॉमर्स का आप अकाउंट्स और इको उठा लो, नॉन मेड में आप मैथ्स या फिर साथ में फिजिक्स उठा लो, उनके ना यूट्यूब पे लेक्चर्स देखो, देखो समझ आता है, थोड़े बहुत लेक्चर्स देखना, तीन से चार लेक्चर्स उठाओ, देखो किस चीज़ में इंटरेस्ट बन रहा है, कौन सी चीज़ समझ आ रही है, उस हिसाब से आप फैसला भी ले सकते हो। बाकी मैं तो ये मानना है यार आप एक्सप्लोर करो, नॉन मेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉमर्स में क्या होती हैं, और वो चीज़ आपकी ईजिली आप समझ पाओगे आपको क्या चीज़ में जाना है, ठीक है। और एक यार घर वाले भी ना एक बहुत डराते हैं, चलो वो तो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, बट उससे बच्चा भी डीमोटिवेटेड हो जाता है। जैसे वो बच्चा पता क्या बोलते हैं उसको, बच्चा बोलता है मैंने ना यार आर्ट्स लेनी है, मैंने ना कॉमर्स लेना है। पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं, टेंथ तक तुमने साइंस पढ़ी, वहाँ पर तो कुछ समझ नहीं है 10 साल, तो भाई कॉमर्स में कैसे आ जाके इलेवंथ में स्टार्ट हो रही हो, तो कैसे सीख जाएगा एकदम, तो कैसे इतनी आगे बढ़ जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती है, हर चीज़ बेस से ही स्टार्ट होती है। तो आप ये मत बोलो अपने बच्चे को यार कि तुमने 10 साल लगा के साइंस से कुछ समझ नहीं आई, मैथ से कुछ समझ नहीं आया, तो कॉमर्स मत ले, आर्ट्स मत ले, क्या उखाड़ लेगा वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करो, बच्चे भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और आज के टाइम पे बच्चे चाहे ना यार, 12th के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, 11th के बच्चे यार 1-1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं सिर्फ यूट्यूब से या काफ़ी जगह से, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बच्चों को अपना पैशन ढूंढना, बच्चा कर लेगा आगे, उनको फोर्स मत करो यार तू यही ले वो ले। आप मुझे बताओ, हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो, कितना रेट है वहाँ पे, 1% रेट है क्लियर होने का, राइट। तो आपके चाहते हो बच्चे को आप इतना प्रेशराइज कर दो, और हर एक बच्चा 1% में तो नहीं ना आएगा, यह हार्श रियलिटी है ना, तो फिर क्यों ना उसको वो स्किल सिखाओ जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जहाँ पे वो आगे बढ़े और सबसे अलग हो, क्यों ना वो उस चीज़ में जाए। तो इन चीज़ों को प्लीज़ बच्चे आप भी फोकस करो, और मैं पेरेंट्स अगर कोई वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी यही चीज़ कहूँगा, प्रेशराइज मत करो उनको, बच्चों को जो उनको अच्छा लगता है उनको वही लेने दो। ये थोड़ी मिथ्स थी जो मैंने सोचा आपके साथ क्लियर करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, बच्चे में से पूछते हैं सर PCB लेना है तो कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए 10th में, PCM लेना है कितना परसेंट हम एम करें, सर कॉमर्स लेना है कितने मार्क्स में हमें मिल जाता है वो, या आर्ट्स कितने मार्क्स पे मिलेगा। देखो मैं एक बार बताऊं, और मैं सच बता रहा हूं, ये हर स्कूल का वैरी करता है। कोई स्कूल जो है PCB या PCM दे देता है 85 अबव में, कोई 75 अबव में, कोई 60 अबव में भी दे देता है,
ठीक है, वही कॉमर्स के साथ है, वही आर्ट्स के साथ है। तो आप ये मत सोचो, अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल पे भी। अपना स्कूल का देखो, पूछो, सपोज करो आपको पीसी में लेना है तो आप देखो पहले स्कूल्स का पता करो अपने स्कूल में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, या आपने कहीं एडमिशन लेनी है कहीं और, तो वहाँ पे पता करो पहले कि यार वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहता है। मुझे एक चीज़ बताओ यार, तुम अपना फिर भी 100% तो दोगे ना? क्लास 10th है तुम्हारी, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं है। अगर आपको पता चलता आपका स्कूल पीसीएम देता है 60% पे, क्या ऐसे मेहनत बंद कर दोगे? बताओ ये चीज़। आपको मेहनत तो पूरी करनी है यार, बाकी सब्जेक्ट आपको मिल ही जाएगा, उस चीज़ की टेंशन मत करो, स्कूल वाले दे देते हैं सब्जेक्ट। बस अपनी मेहनत में लगे रहो, टर्म टू की तैयारी करते रहो। बाकी आपकी स्ट्रेटजीज में लेके आऊँगा क्लास 10th की स्ट्रीम सिलेक्शन पे। हर एक स्ट्रीम पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये थोड़ी मिथ्स थी एक्चुअली बच्चों को, और ये मैं इसलिए बताई क्योंकि बच्चे के मैसेज आ रहे थे, सर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन घर वाले फोर्स करने, अगले साल मैं क्या लूँ? सर समझ नहीं आ रही ये चीज़ें, मेरे दोस्त अलग हो जाएंगे। सर कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है, सर आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है। ये ऐसे पागल मत बनो, आपको पागल बनाया जा रहा है, और आप मत बनो। आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप लोग बहुत आगे जा सकते हो, बस अपनी स्किल्स को पहचानो, आगे आपको क्या करना है उसको जानो, इंटरेस्ट को पहचानो, पैशन देखो अपना। अपने स्किल अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे, और आप काफ़ी लोगों से आगे जाओगे। जो लोग आपको आज एडवाइस दे रहे हैं, कल वो लोग आपसे एडवाइस मांगने आएंगे। तो ये चीज़ समझ के चलो, और हाँ अपने स्किल पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, आपने नया सीखा होगा, कुछ वैल्यू एडिशन आपने लाइफ में किया होगा। तो अगर ये चीज हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम पे मेरे से जुड़ जाओ, शिवम जोहर के नाम से चैनल है, सर्च करके आप जुड़ जाओ, नीचे मैं लिंक भी दूंगा, उससे भी आप जुड़ सकते हो। होगा क्या, वहां पे हम 1-to-1 बात करते हैं, हमारी बात होती है बच्चों से, पोल होते हैं, अपडेट्स आती हैं, और बच्चों से काफी बार हम टेस्ट वगैरह चलते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ऑडियो शेयर करते हैं, मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज, सब कुछ चलता है वहां पे। तो आप सब्सक्राइब करना उस चैनल को भी और इस चैनल को भी, क्योंकि इंस्टा पे भी मैं हूँ, वहाँ पे बच्चे 1-to-1 बात करते हैं, वहाँ जुड़ना चाहो ऑप्शनल है, वो मैं आपको ज़रूरी नहीं बोला, लेकिन टेलीग्राम कंपलसरी है ज्वाइन करना, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जिनको भी मिथ्स हो रहे हैं डाउट्स हो रहे हैं कमेंट करके बताना, कोई इशूज़ हैं तो मैं सॉल्व करूँगा। लाइव में सर जुड़ सकते हो मेरे साथ रोज 10 बजे, वहाँ पे हम आपकी क्वारीज लेते हैं। प्लस शेयर ज़रूर करना ताकि जो भी बच्चे अभी ये सोच रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा, वो भी ऐसे कन्फ्यूज़ हैं, उनको ये चीज़ें क्लियर हों और वो इन चीज़ों में ना बहें। प्लस प्लीज़ पेरेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे ने जो लेना है उसको वो स्ट्रीम लेने दो, बच्चे अपने आप आपको चीज़ देंगे, आपको आउटपुट करके दिखाएंगे, बस बच्चों की बात मानो, उनका पैशन जो है उनको उन्हें फॉलो करने दो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। दिस इज शिवम जोहर साइनिंग ऑफ, बेस्ट ऑफ लक।